हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। एस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। 500 मेगा सीरीज चल रहा है पावर पॉइंट क्वेश्चन का, और इसमें हम लोग 140 क्वेश्चन देख लिए हैं। 9 वीडियो लेक्चर मैंने आपको दिया था। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाएं, पावर पॉइंट प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप सारे वीडियोज को देखें। बहुत ही अच्छी वीडियोज है, और उसके बाद से आप इस वीडियो लेक्चर को देखें जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 141 से आगे करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लिए गए हैं आपके स्टेट एग्ज़ाम के लिए, और किसी भी क्वेश्चन को आपको नहीं इग्नोर करना है, बल्कि इसे आप याद करके जाएं एग्ज़ाम में। डेफिनेटली आप इसी सारे क्वेश्चन में से एग्ज़ाम में भी देखने मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो कि 141 है, मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर इज बेस्ट प्रेजेंटेड एज, यानी क्वेश्चन में पूछा गया है जो मटेरियल जिसमें टेक्स्ट और नंबर होता है उसको किस तरह से सबसे अच्छा रिप्रेजेंट किया जाता है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दिए जाएंगे 5 सेकेंड। आपको 5 सेकेंड में फटाफट से आंसर करना है, और इस क्वेश्चन का टाइमिंग स्टार्ट होता है अभी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ए टेबल स्लाइड। टेबल स्लाइड जो होता है वो बेस्ट प्रेजेंटेड होता है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 142 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज व्हेन एन इमेज इज सेलेक्टेड, अगर किसी पावर पॉइंट में इमेज को सेलेक्ट किया जाता है तो स्क्रीन पे क्या दिखाई देता है। टाइम स्टार्ट, और इसका आंसर होगा साइज हैंडल अराउंड द इमेज, यानी जो इमेज होता है उसका साइज हैंडल दिखाई देने लगता है जब आप इमेज को सेलेक्ट करते हैं, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143 है, द माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी अलाउज यू टू, द माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी क्या अलाउ करता है हमें, और ऑप्शंस आप पढ़ें, और ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आंसर करें। टाइम स्टार्ट नाउ, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ऐड क्लिप आर्ट इमेजेस टू ए स्लाइड और स्लाइड। यानी क्या होता है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट क्लिप आर्ट गैलरी अलाउ करते हैं तो उससे क्या होगा कि क्लिप आर्ट में जो भी इमेज होते हैं उसको स्लाइड में ऐड किया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 144, विच कमांड सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट एट वन टाइम व्हेन सेलेक्शन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स टू बी डिलीटेड, आपका टाइम ख़त्म होता है, और इस क्वेश्चन का आंसर होता है एडिट सेलेक्ट ऑल। एडिट सेलेक्ट ऑल यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा, और इससे क्या होगा कि जो हमारा कमांड होता है इससे सेलेक्ट करने के बाद से जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे एक समय में सारे ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, फटाफट से आप सभी को आंसर करना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 145 से देखते हैं आगे के क्वेश्चन। ऑटो क्लिप आर्ट इज अ फीचर डैट, ऑटो क्लिप आर्ट एक ऐसा फीचर है जो क्या करता है, आपका समय स्टार्ट होता है अब। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ऑटो क्लिप आर्ट क्या है, एक ऐसा फीचर है जो कि आपके जो ऑटोमेटिकली क्या करता है, क्लिप आर्ट को प्रेजेंटेशन में ऐड करता है, स्कैन करता है प्रेजेंटेशन को, और स्कैन करता है प्रेजेंटेशन को कि किस तरह का स्पेलिंग उसमें इनकरेक्ट है, और उसका करेक्शन करता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, टू सेलेक्ट ऑल द बॉक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के सभी बॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, ऑप्शंस दिए गए हैं, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें है कि क्या करना होता है, अगर आपको सारे बॉक्सेस को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए एडिट पे क्लिक करें और सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं राइट क्लिक कर सकते हैं चार्ट बैकग्राउंड पे और उसके बाद से सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। तीसरे में दिया गया है प्रेस और होल्ड शिफ्ट की से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 147 है, टू एडजस्ट द विथ ऑफ टेबल कॉलम्स यू,
यानी टेबल कॉलम के विड्थ को, चौड़ाई को एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, और आपका टाइम स्टार्ट्स नाउ। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी बी एंड सी। बी एंड सी चलिए देख लेते हैं क्या है। ड्रैग द वर्टिकल ग्रिड लाइन बिटवीन द टू कॉलम्स, और दूसरा है ड्रैग द कॉलम मार्कर्स ऑन द टेबल रूलर बार, यानी दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, क्वेश्चन नंबर 148 देख लेते हैं जल्दी से। टू ऐड अ न्यू रो टू अ टेबल यू वुड, यानी कोई भी अगर रो को ऐड करना है टेबल में तो आप उससे क्या कर सकते हैं ऐड करने के लिए, और आपका टाइम स्टार्ट्स नाउ। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन, अगर देखें तो क्लिक द इंसर्ट रो कमांड ऑन द इंसर्ट मेनू, बिल्कुल गलत है। और इसमें दिया गया है दूसरे में प्रेस द इंटर की, ये भी गलत है। क्लिक द इंसर्ट रो बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, ये भी गलत है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 149 दिया गया है। आफ्टर मूविंग ए क्लिप आर्ट इमेज टू ए पार्टिकुलर लोकेशन ऑन द स्लाइड यू कैन इमिडिएटली रिजर्व द एक्शन यूजिंग, यानी कोई भी अगर आप क्लिप आर्ट इमेज को मूव कराना चाहते हैं किसी लोकेशन पे, अगर स्लाइड के लोकेशन पे, तो आपको इमिडिएटली क्या रिवर्स करना चाहिए एक्शन को, और इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप ऑप्शंस पढ़ें। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे अंडो बटन पे क्लिक करना है, अंडो बटन जो होता है उस पर आप क्लिक करें, उसके बाद से यहाँ पे आप जो एक्शन कराना चाहते हैं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 है। यू कैन एडिट एन एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट, एम्बेडेड चार्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या करना है कि एडिट करना है, एडिट करना है, और एडिट करने के लिए क्या कर सकते हैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर बताना है। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी और सी। चलिए बी और सी में देख लेते हैं क्या दिया गया है। बी में दिया है डबल क्लिकिंग द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। और सी में दिया गया है राइट क्लिकिंग द चार्ट ऑब्जेक्ट एंड देन क्लिकिंग एडिट एमएस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट, यानी दोनों ऑब्जेक्ट को यहाँ पर करके आप इस चार्ट ऑर्गेनाइजेशन को एडिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 देख लेते हैं। You can edit the embedded table object. इस क्वेश्चन में पूछा गया है टेबल ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे इससे पहले क्वेश्चन था उसमें हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे पूछा गया था embedded organization chart, और यहाँ पे 151 में पूछा गया है embedded table object, और आपके जो टाइम होता है स्टार्ट नाउ। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, यानी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है 151 नंबर क्वेश्चन का। और इसमें क्या दिया गया है कि आप क्या कर सकते हैं कि एडिट कर सकते हैं एम्बेडेड टेबल ऑब्जेक्ट को बाय क्लिकिंग द एडिट सब कमांड, और बाय डबल क्लिकिंग द टेबल ऑब्जेक्ट, या फिर राइट क्लिकिंग द टेबल ऑब्जेक्ट। तो तीन तरीके हैं, तीनों तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 152 है कि यू कैन एम्बेड ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल इन अ स्लाइड वाइज, किस तरह से आप एम्बेड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, और इसके ऑप्शन दिए गए हैं। आपका समय शुरू होता है अब। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ए और सी। ए और सी, ए और सी में क्या दिया गया है यहाँ पे हम लोग देख लें। क्लिकिंग द इंसर्ट न्यू स्लाइड बटन, एक न्यू स्लाइड बटन को इंसर्ट करके आप यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है सी, जिसमें बताया जा रहा है कि इंसर्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप क्लिक करके यहाँ पे टेबल बटन को स्टैंडर्ड टूल बार से ऐड कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 153, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि यू कैन एम्बेड ए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इन ए स्लाइड बाई, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को ऐड करना है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को कैसे और एम्बेड करना है, आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए।
और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो होगा सही होगा, क्लिकिंग द इंसर्ट न्यू स्लाइड बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार देन डबल क्लिकिंग द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑटो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 154 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 में बताया जा रहा है यू कैन ऐड मल्टीपल सब ऑर्डिनेट्स टू ए पोजीशन बाय, मल्टीपल सब ऑर्डिनेट्स को यहाँ पे आपको ऐड करना है, कैसे ऐड कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव बिल्कुल सही आंसर होगा और इसमें बताया जा रहा है तीनों ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155 में है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉर्म यूज टू इनपुट चार्ट वैल्यू। चार्ट वैल्यू को आपको यूज करना है टू फॉर्म, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉर्म, तो उस फॉर्म का नाम क्या है जिसका यूज हम लोग चार्ट वैल्यूज इनपुट करने के लिए करते हैं। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं चार और चारों के लिए आपको कौन से ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी डाटा शीट। डाटा शीट जो होता है वह ऐसा फॉर्म है जिसका यूज किया जाता है चार्ट वैल्यू को डालने के लिए। और इस प्रकार आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर था इसमें हम लोगों ने इम्पोर्टेंट पावर पॉइंट क्वेश्चन देख लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।